नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोटामाइन कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल के फायदे, नुकसान, इस्तेमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसका उपयोग करना चाहिए, इन सभी बातों की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, प्रोटामाइन कैप्सूल आता है इंडसेफ्ट कंपनी का और इसमें मल्टी विटामिन होता है और मल्टी मिनरल्स होता है और सभी प्रकार के इसमें मल्टी विटामिन वगैरह मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसा कि आप पॉज करके पढ़ ही सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं पढ़ूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। और कुछ इस प्रकार की ये कैप्सूल होते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, काले कलर के कैप्सूल होते हैं और एक पत्ते का एमआरपी होता है 168 रुपये, यानी कि 170 रुपये के समथिंग 15 कैप्सूल का। लेकिन दोस्तों, ये एक जेनरिक दवाई है तो आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी। इसमें दो पत्ते आते हैं तो एक पत्ता नहीं, अभी एक ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, प्रोटामाइन कैप्सूल का उपयोग शरीर में होने वाली कमजोरियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि चक्कर आना, भूख न लगना, वजन न बढ़ना, कमजोरी महसूस होना, सुस्ती, थकावट, जोड़ों में दर्द, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, नसों की कमजोरी और खाना पीना शरीर को ना लगना, दुबला पतला शरीर रहना, सेहत ना बनना, या फिर जो जिम वगैरह जाते हैं बॉडी ना बनना, वजन ना बढ़ना, मुंह के बार बार छाले हो जाना और हाथ पांव के तलवों में जलन होना, पसीना आना, पूरे शरीर में दर्द रहना, काम में मन ना रहना, सुस्ती रहना पूरे शरीर में, और आँखों की समस्याएँ, बालों की समस्याएँ, स्किन की कोई इन्फेक्शन और जोड़ों में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, यानी कि बहुत सारी 99% जितने भी कमजोरियां होती हैं हमारे शरीर में, उन सभी को ठीक करने के लिए प्रोटामाइन कैप्सूल का उपयोग किया जा सकता है। इसकी डोज की बात करें तो इसको एक कैप्सूल रोज़ लेना चाहिए, दूध के साथ ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। रोज़ आप सुबह खाना खाने के बाद एक कैप्सूल का उपयोग करें और इसे लगातार इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आप एक पत्ता खा के बंद कर दो, इसे 3 महीने तक लगातार उपयोग करें, जिससे क्या होगा कि आपकी सभी प्रकार की कमजोरियां ठीक हो जाएंगी। और दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, नुकसान की बात करें, तो इसको लेने से कई बार क्या होता है कि पेट में दर्द, खुजली, गैस बनना, घबराहट, नींद ना आना, कब्ज़ बनना, तो ऐसी समस्या हो सकती है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है पहले ही कैप्सूल लेने से, तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।